चांगला राहिला अनुभव, काय अडचण आली नाही काय नाही, राजूबाईंनी चांगली मदत केली. ये दोनों हिफर उनको, ये अभी दो दो दांत है, दोनों हिफर का उनको रेट 45-45 के हिसाब से दिया, 45-45 हजार के हिसाब से. 25 लीटर चीका है, मतलब 30 से प्लस वाले, ये भी 80 की रेंज में है, ये भी 80 हजार की रेंज में, ये भी 25 से प्लस वाली है. ये बच्चिया दो दांत है, ये भी 80 हजार की रेंज में है. मराठा फॉर्म और आयला एक अड़चण है, नंबर एक है. नमस्कार किसान भाइयों, मराठा फार्म में आपका स्वागत है. आज हमारे फार्म पर महाराष्ट्र से पंढरपुर से किसान भाई आए हुए हैं, उन्होंने हमारे फार्म से 10 गायें परचेज किया है. तो ये जो सभी आप सामने गायें देख रहे हो, ये सभी गायें भाइयों ने परचेज किया है. किसान भाइयों से आपकी मुलाकात करवाएंगे सामने, एक बार जैसा भी मराठी में वो बताएंगे आपको. उन्होंने 10 गायें परचेज किया है और गायें सभी 20 लीटर, इसमें 20 लीटर से लेकर 35 लीटर तक दूध देने वाली गायें हैं. गायें सभी आपके सामने हैं और किसान भाई जो आए हैं उनके सामने आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे आपका रेट भी पूछवाएंगे. नमस्कार भाई साहब. नमस्कार गजेंद्र भाई, आप कहाँ से हो? मैं पंढरपुर से. तो गजेंद्र भाई, आपने कितना एनिमल परचेज किया अभी? आगे तो अब एक बार मराठी में बताइए, आपको यहाँ पर आना कैसा लगा, कैसी आपको गाय मिली और कैसा आपका अनुभव रहा? अच्छा, चांगला रहा अनुभव, काय अड़चण आली नाही काय नाही, राजूबाई चांगली मदद केली. और गायें आपको किस रेट में मिली? 80 की सबसे ली. अच्छा लगा, महंगा तो नहीं लगा? नहीं नहीं. तो आपकी जो गायें, एक एक गाय के पास खड़े होकर रेट बताते रहिए आप. आइए, ये जो गायें देख रहे हो आप, इसके नीचे अभी 25 लीटर मिल्क रेडी है, 4 टीथ है ये. इन्होंने ये भी 80 हजार की रेंज में ली है, 25 लीटर मिल्क रेडी इनको. जैसे 10 गायें जो लोट में दिया है, इसमें क्या लोट का मतलब क्या होता है, कोई गायें थोड़ा छोटी है तो कोई गायें थोड़ा उससे बड़ी, मतलब लोट बनाया है. उसके बाद ये देखिए, ये सामने जो गायें देख रहे हो, ये भी बछिया 4 दांत है. अभी इसको 25 लीटर चीका है, मतलब 30 से प्लस वाले, ये भी 80 की रेंज में है. उसके बाद ये गाय को अभी बच्चा देने का अभी 15 दिन बाकी है, ये भी 80 हजार की रेंज में है. मतलब रेट आपका, ये भी 80 हजार की रेंज में, ये भी 25 से प्लस वाली है. ये बछिया 2 दांत है, ये भी 80 हजार की रेंज में है. मतलब सभी जानवर जो उनको दिए हैं सभी टॉप क्वालिटी के हैं और सभी 25 से 30 लीटर वाले हैं. और अपने फार्म से उनको लोड बना के दिया. ये दो हिफर हैं, ये दोनों हिफर उनको, ये अभी दो दो दांत है, दोनों हिफर का उनको रेट 45-45 के हिसाब से दिया, 45-45 हजार के हिसाब से. मीन्स 90 हजार का जोड़ा है, उसमें जैसा आधा आधा रेट हो जाएगा ये दोनों, ये भी उनको साथ में चला हुआ बात. तो जैसे ये सभी गाय हमने आज, ये हमारी महाराष्ट्र के पंढरपुर में जा रही है, ये 80 हजार के हिसाब से हमने लोट दिया है. गाय हमारे पास 1 लाख वाली भी है, गाय 1.5 वाली भी है, गाय 50 हजार वाली भी है, गाय 40 हजार वाली भी. जैसे अभी कोई अगर किसान भाई परचेज करना चाहता है, 5 मंथ गैबिन गाय हो, तो हम उसको ये 50-55 में भी दे देंगे. ये गाय जो बच्चे देख रहे हो 45 में, ये गाय 5 महीने गाबिन है, 6 महीने गाबिन, 2-14 लीटर है. अगर कोई किसान लेना चाहेगा तो उसको हम इसको 55 में देंगे. ये गायें अभी 20 लीटर दूध है, ये हम कोई भी किसान लेना चाहेगा उसको 65,000 में दे देंगे. ये भी गायें अपने फार्म पर सेल के लिए हैं. कोई भी किसान अभी अपने फार्म से सिंगल ये जर्सी क्रॉस गायें हैं, 55 हजार में हम ये गायें आज उनको सेल कर देंगे. ये जो गायें सामने देख रहे हो 5 महीने गाबिन है, 14 लीटर दूध है, ये कोई भी किसान लेगा आज उसको 55 हजार की हम ये गायें दे देंगे. ये जो गायें देख रहे हो, ये कल ही बच्चा दिया है, 20 लीटर चीका है, इसको कोई भी किसान लेगा तो 60 हजार में हम ये गायें उनको दे देंगे. हर गाय का अलग अलग कीमत है. ये जो गायें देख रहे हो 1 महीना बाकी है, इस गाय को कोई भी किसान भाई लेना चाहेगा, दूध का रिकॉर्ड 25 लीटर का, इसकी कीमत आज की 65 हजार है. ये बछिया 4 दांत है, इसकी कीमत थोड़ा सर्दी की वजह से नहला धुला नहीं पा रहे, थोड़ा गायें गंदी हुई खड़ी है, बट लेकिन सभी गायें मतलब कि हर रेंज की है, कोई 70 हजार की है, कोई 80 हजार की भी है, ठीक है ना. जैसा मतलब गाय की क्वालिटी उस हिसाब से रेंज है. हर समय अपने फार्म पर, मतलब कि हर समय अपने फार्म पर 20 से 25 गायें हर समय अवेलेबल रहती है. कभी भी कोई भी किसान भाई हमारे फार्म पर आकर विजिट करेगा तो उसको हर समय 20 से 25 गायें अवेलेबल मिलेगी. हम पहले अपने गोटों पर गायें रखते हैं, उसके बाद दूसरे गोटों पर जाके गायें दिखाते हैं. हर समय आपको हमारे गोटे पर 20 से 25 गायें अवेलेबल मिलेगी. ये थोड़ा सर्दी के मौसम की वजह से हम थोड़ा गायें को अच्छे से नहला धुला नहीं पा रहे, तो थोड़ा गायें गंदी है, बट लेकिन रेंज हर टाइप का मिलेगा, 50 हजार, 55 हजार, 60 हजार, 65 हजार, सब टाइप का. तो ये गजेंद्र भाई हैं. गजेंद्र भाई, आप संतुष्ट हो यहाँ पे आके? हो, संतुष्ट हो. तो मराठी में एक बार बोल दीजिए कि मराठा फार्म पे आना सही रहेगा या गलत? मराठा फार्म और आयला एक अड़चण है, नंबर एक है. तो कोई भी किसान हमारे पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते. और ये जो गायें आपके फार्म पे जाएंगी वहाँ पे हम चैनल वाला वीडियो वाला को भेजेंगे, और कोई भी किसान नंबर मांगेगा आपका नंबर उसको देंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए. थैंक यू गजेंद्र भाई, जय शिवाजी महाराज की.